बड़ा कंजूस है तेरा बाप, हमें गाड़ी नहीं भिजवा सकता था। मेरी तो टांगें टूट गई हैं चलते चलते। एक्सक्यूज मी माँ जी, एक तो आप लोगों की वजह से इंस्पेक्टर मुश्ताक ने हमें घर से निकाला है, एक तो मेरे पापा ने इतनी जल्दी घर अरेंज करके दिया है, वरना याद है कि पिछला पूरा एपिसोड हमें पार्क में गुजारना पड़ा था। अरे भाई इससे तो बेहतर था कि वो हमें लाहौर बुला लेते। अरे समदन जी के जाने के बाद वो भी अकेला अकेला महसूस कर रहे होंगे। ओ यार महमूद साहब, उनका अकेलापन आपके जाने से नहीं बल्कि नई अम्मी के आने से दूर होगा। नबील खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। जानू, तुम्हारे पापा के करतूत एक लफ्ज में बयान नहीं हो सकते, उसके लिए मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। शट अप नबील। ओके जानू। और यू शट अप फरजाना। अरे तुम लोग तो चुप करो भाई। अरे नबील, अरे वो मालिक मकान का नंबर दिया था ना उन्होंने, अरे तो उसको फोन लगाओ और पूछो कि कहाँ आना है हमें। यार उसने बताया तो इसी इलाके का था। अरे मैं कॉल ही करता हूँ उसको। हेलो फरार साहब। ओ भाई मैं फरार नहीं करार बात कर रहा हूँ यार। ओ भाई मैं वो किराएदार बात कर रहा हूँ, सिद्दीकी साहब ने भेजा है मुझे। ओ भाई सही तरह से एड्रेस समझा, गली के कब से गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, कहीं हीट स्ट्रोक से मारी ना जाए। यार गोल गोल नहीं घूमना, सीधे सीधे आना है, सीधे। ये देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वो तो बाहर खड़ा हाथ हिला रहा है। किसको? वो हमें माजी, और किसे? वो देखे उसका हाथ। लेकिन हम तो यहाँ खड़े हैं। चले यार, चले यार, वो देखो, चले वो देखे। भाई दूर से तो बड़ा ही मनहूस आदमी लग रहा है। वो मेरे घर को अपना घर समझे। वो सिद्दीकी साहब ने ना पूरे साल का किराया दे दिया आप लोगों के लिए। सिद्दीकी साहब ने एक साल का किराया दिया। जानो पापा जी ना दिन ब दिन गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। हाँ भाई, कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो करना चाहिए था ना। भाई कितना ब्यूटीफुल लॉन है। देखिए आप लोग लॉन में बैठे चाय वाय पिए, इंजॉय करे, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पर जाकर फूल वूल नहीं तोड़ने भाई। अब ये हमारा घर है, जब दिल चाहेगा हम फूल तोड़ेंगे। आपने फूलों के साथ क्या करना है महमूद साहब? ओ जानू करना क्या है यार, पड़ोस में खवातीन को पेश करेंगे या शाम में खड़े होकर सिग्नल पर बेचेंगे। जानू और क्या करना है इस बड़े मुँह वाले में। बॉस आप लोग तो यार पार्किंग में ही अटक गए यार, अभी तो आप सबको पूरा घर दिखाना है। अंदर चले आए। नबील वैसे इनका मुँह देख के लगता नहीं है की ये घर इनका है। ओ यार महमूद साहब, आपका मुंह देख के कहाँ लगता है कि आपका एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट बेटा है। बस मैं भी यही खड़ा हुआ। वैसे आपके मुंह के मुखालिफ ही है ये घर। कैसा लगा मेरा घर? घर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्कि बड़ा है। महमूद साहब आप समझ तो गए होंगे। हाँ हाँ, कह दो कि मेरे मुँह जितना बड़ा है। समझ गया हूँ तुम्हारी बातें मैं सारी। अरे भाई घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पड़ोसी भी तो अच्छे होने चाहिए। ओए पड़ोसी या पड़ोसने मसूद। अरे मोमो तुम तो खामखा मुझ पे शक कर रही हो भाई। पड़ोसियों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त पड़ने पे पड़ोसी ही काम आते हैं जी। आप लोगों को इस इलाके में होशियार रहना पड़ेगा। क्या मतलब आपका? यही कि आस पड़ोस में आप लोगों को मेल जोल करने की जरूरत ही नहीं है। लाओ जी, आस पड़ोस में मिलेंगे नहीं तो दूध पत्ती चीनी किससे मांगेंगे? देखिए आस पड़ोस में मेल जोल रखने में बड़ा रिस्क है। किस चीज का रिस्क भाई? देखें आप लोग मुझे मासूम और शरीफ लोग लग रहे हैं। देखें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर शरीफ आदमी हूँ। महमूद साहब की मैं गारंटी नहीं कर सकता। आपके पड़ोसी बहुत खतरनाक लोग हैं। ओ बॉस जितने भी खतरनाक हो, तुम महमूद साहब को नहीं जानते। करीब से देखेंगे तो उनकी चीखें निकल जाएंगी। अरे चीखें नहीं निकलती है नबील, मेरे हुस्न को देखकर वाव निकलती है। लगता है वाव निकल ही गई। भाई बस करें आप लोग लड़ना। आप कुछ बता रहे थे हमसायों के बारे में। दरअसल आप लोगों के पड़ोसी है ना अंडरवर्ल्ड से है ना। और आप हमें यह बता रहे हैं। बॉस फिक्र ना करें, बस पड़ोसियों के आना जाना मत रखिएगा और अपने बारे में ज्यादा मालूमात देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। खिड़कियाँ वगैरह बंद रखिएगा, और क्योंकि अक्सर ना गोली चल जाती है ना यहाँ पे। हाँ, और बाकी कोई टेंशन नहीं है। मैं चलता हूँ, आप लोग आराम करें। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो ना बॉस, तो खुद जाके ले आइएगा, ठीक है। यार जानू तुम्हारे पापा जी को और कोई घर नहीं मिला था यार। यहाँ तो सारे अंडरवर्ल्ड वाले रहते हैं यार। और पुत्र मैं ना 2 बम मांग के लाती हूँ पड़ोस से, जब भी इन्होंने अड़ी की ना तो इनकी नसों में मैंने तुंदे नहीं। अरे मोमो क्या फजूल बातें लेके बैठ गए हो भाई, आओ भी बाकी का घर भी देखें और डिसाइड करें किसने कौन सा कमरा देना है। जाती ये ख्याल है कि मैं और खूबसूरत ये वाला कमरा ले लेते हैं। महमूद साहब आप और माँ जी जो है ना वो नीचे वाला कमरा ले। क्यों भाई हम क्यों नहीं ले सकते ये ऊपर वाला कमरा, हम क्यों नीचे जाएं तुम लोग वो कमरा। यार मैं तो आपके बुढ़ापे की वजह से कह रहा हूँ कि आप अगर ऊपर होंगे तो नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपकी कमर में दर्द उठेगा और अगर दर्द उठेगा तो आपको डॉक्टर की जरूरत होगी, तो डॉक्टर के पैसे कौन देगा, आपका बाप नहीं जानू का बाप। ये नहीं मेरा मतलब ये है कि पापा जी देंगे यार। ओए, अपने प्यारे पापे के पैसों का रोब हम पे मत झाड़, हमने यही कमरा लेना क्योंकि ये कमरा बड़ा है तो इसके लैट्रिन भी बड़ा होगा ना। माँ जी आपने बाथरूम में साइकिल चलानी है यार। ओ यार फजूल में बहस मत करें, माँ जी आप लोगों ने ये कमरा लेना है ना, ले लो भाई। ये तो तय हो गया कि कौन किस कमरे में रहेगा। ठीक है अब भाई अच्छा सा खाना बना लो, बड़ी सख्त भूख लग रही है। पहले जाके खाना पकाने का सामान तो ले आए महमूद साहब, आज मैं आपको पैसे देती हूँ और माँ जी और मैं किचन भी देख लेंगे। हाँ ना मटन की छोटी छोटी बोटियाँ मंगवानी है तूने शबाना। खूबसूरत हाँ हाँ मटन की छोटी छोटी खूबसूरत बोटियाँ मंगवा ले फिर। महमूद साहब ख्याल से जाइएगा, आस पास अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं यार। मैंने जाना है, आप ही ने जाना है। चले 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 मेरे लिए दुआ करो कि मैं खैर से जाऊं और खैर से वापस आऊं। आस पास ताक झांक ना कीजिएगा, डराओ तो नहीं ना। अच्छा जी सुन रहा हूँ। आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? अभी अभी आप इसी घर से निकले हैं ना। आप कौन? अरे मैं आपके साथ वाले बंगले में रहती हूँ। अंडरवर्ल्ड वाला? क्या कहा अंडरवर्ल्ड? नहीं अंडरवर्ल्ड किसने कहा है भाई? अरे अभी तो कहा आपने। नहीं मैंने तो अंडर वाटर कहा है। मैं अंडर वाटर ना बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूँ। अच्छा तो आप इस घर से नहीं निकले ना? नहीं मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तेज। मैंने पहले आपको इस महल्ले में देखा नहीं है। देखिएगी कैसे, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बड़े घर देखने निकल आया था। आप एक बात तो बताएं इतना घबरा क्यों रहे हैं? इन चूड़ियों की वजह से। अरे इतनी बड़ी चूड़ियाँ लेके कहाँ घूम रही है दिन दिहाड़े। तेज करवाई है, गर्दने जो काटनी है। अबे ले कितना डरपोक आदमी है, चूड़ियाँ तेज कराऊंगी जब भी तो मुर्गियों की गर्दन काटूंगी ना। ये है बड़ा मशकूक आदमी, यहीं से निकला है, मैं सब जानती हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँ फिर बताऊंगी सबको, पूरे महल्ले को बताऊंगी ये कौन लोग हैं। अली इमरान तेरे भाई ने बड़ा घर ले लिया है, छोटे मोटे घर में अब तेरा भाई रह भी नहीं सकता यार। कभी आओ ना, जेजे को लेके आना और खाली हाथ मत आना, तोहफे शोफे लेके आना। ओके चल मैं तुम्हारा फोन करता हूँ। यार मैं महमूद साहब ये क्या बदतमीजी है यार, बगैर राशन के आ गए आप और मेरे पेट में आपके मुंह के साइज के बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं। तो यार मैं महमूद साहब क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हैं? किसी आंटी ने चपेड़े तो नहीं करा दी नाजेबा आपकी हरकतों की वजह से? यार नबील वो करार जो है ना वो ये आस पड़ोस के बारे में ना बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे बाहर मुझे अभी एक मखबूतुल हवास किस्म की औरत मिली है। अरे उसके हाथ में ये लंबी चूड़ियाँ थी। अरे वो मेरी गर्दन काटने का कह रही थी, बड़ी मुश्किल जान बचा के भागा हूँ मैं। यार महमूद साहब वैसे बाय द वे पहली बार किसी खातून से जान बचाकर आप भागे हैं, कमाल ही हो गया। मजाक की बात नहीं है नबील, अगर वो सचमुच मेरी गर्दन काट देती तो मैंने जाके थैंक यू करना था उनका और क्या। क्या नबील ये तुम्हारे ससुर ने कहाँ फंसा दिया यार, मैं अब इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल रहा। यार अगर आप राशन नहीं लेके आएंगे तो घर में खाना कैसे बनेगा? अरे तो तुम राशन ले आओ ना जाके। भाई अजीब बातें कर रहे हैं, वैसे इतने बड़े घर का मालिक बाहर जाएगा इस गर्मी में और छोटे मोटे काम करेगा? अरे तुम कहाँ से मालिक बने? ये किराए का घर है, हमने किराए पे लिया है भाई। हमने नहीं, मेरे पापा जी ने अपने दामाद और बेटी के लिए घर लिया है, तो टेक्निकली इस घर का मालिक मैं ही हुआ। मैं और खूबसूरत जो है ना वो पिज़्ज़ा मंगा के खा लेंगे और आप लोग भूखे सोएंगे, देख लें। यार नबील, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, अरे वो औरत मुझे बहुत खतरनाक लग रही थी, वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। यार यार एक काम करें, आप नकाब करके जाएं। अगर नकाब करके जाते हैं आप और फिर भी वो आपका बड़ा सारा मुंह पहचान के आपकी गर्दन काट देती है तो आप यकीन करें माँ जी की जैसे इद्दत पूरी होगी मैं उनका निकाह करा दूं। हाँ, मैं माँ जी का कोई दुपट्टा छुपटा लेके आता हूँ ताकि आप अपना मुंह छुपा सकें। आ रहा हूँ, मुझे ही बल्ली का बकरा बनाएगा ये। ओ माँ जी नबील। ओ हाँ नबील, तू अपने मम्मी से क्या करना, मेरे बेडरूम में ना सिनेमा जितना बड़ा टीवी लगवा दे, बड़ा सा। ओ माँ जी, मेरा कौन सा मामा टीवी बेच रहा है यार जिससे क्या कि टीवी मंगवाऊं? और वही जिसकी नकचड़ी बेटी से तूने शादी की हुई है। अरे माँ जी, आप पापा जी की बात कर रही है? हाँ, पापा जी से बड़ा टीवी मांग सकता हूँ, लेकिन क्यों माँ जी? मेरा ख्याल है एक गाड़ी मांगता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है वहाँ पर, अपना पार्किंग लॉट में एक साइकिल तक नहीं खड़ी वहाँ। पुत्र एक मिनट, साइकिल ना मांगना, मुझे साइकिल नहीं चलानी आती। तू ऐसा कर, जहाज मांग ले उनसे। क्यों माँ जी, आपको जहाज चलाना आता है? मैं तो उसके लिए तो मैं ड्राइवर रखूंगी ना। आपका मतलब पायलट है माँ जी? ना, पायलट तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए रखूंगी ना। माँ जी क्या हो गया आपको यार, खाना तो कुक बनाता है ना। ना, कुक से तो मैंने गाड़ी चुनवानी है। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता ना करे लस्सी मेरी यार, अल्लाह का वास्ता। माँ जी क्या हो गया आपको यार? नबील, नबील कमरे में वो है। और जानू, खुदा का वास्ता अब तुम ना शुरू हो जाना, साफ साफ बताओ क्या है भाई? चूहा नबील, चूहा। ओए खबरदार, जो मेरे शेर जैसे पुत्र को चूहा बोला हो तूने तो। कमरे में चूहा है माँ जी। जल्दी से मेरी तलवार लेकर आ रज़वाना। नबील मारो उस चूहे को यार। माँ जानू, पापा जी कसम, अगर शेर होता ना मैं चीर फाड़ देता, लेकिन जानू चूहे से मुझे बड़ा डर लगता है। जाओ जाकर जहर लेकर आओ ना। अब तेरा शौहर बंदर नहीं मारेगा तो तू उसे जहर दे देगी। मैं चूहे मारने का जहर मंगवा रही हूँ माँ जी, चूहे के लिए। वो जानू मैं नहीं जाऊँगा बाहर, वो अंडर वर्ल्ड वाली जो है आंटी, वो चाकू लेके घूमती है यार। मैं सभी नकाब करके गए हैं तो तुम भी नकाब पहन के चलो। जाओ नबील। ओके जाओ, जाओ, जा रहा हूँ। माँ जी, चूहा कमरे में है, यहाँ नहीं है। ओ शमशे, अच्छा तो जाके अब ठंडी ठांड लस्सी बना के ला मेरे लिए। हेलो 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 हेलो, हेलो, मेरा नाम ना नीलो है। ना तो मैं रेशम हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ रेशम जी? अंदर तो आप पहले ही घुस आई हैं और इससे ज्यादा अंदर आपको नहीं लेके जा सकते, बड़ा खतरा है इधर जी। खतरा? कैसा खतरा? आप प्लीज मुझे बता सकती? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आपके पड़ोसन हूँ ना। हाय हाय पड़ोसी, और यहाँ गोली नहीं चलनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। गोली? गोली क्यों चलेगी भाई यहाँ पे? हाँ, ये बात भी ठीक है, जब चाकू छुरी से बात बन सकती है तो गोली चलाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बातें कर रही है, हम शरीफ लोग हैं। हम तो खुद बहुत शरीफ लोग हैं। आप आए ना अंदर, आपको मना नहीं कर सकते, कहीं गुस्से में आके फायरिंग ही ना शुरू कर दे। मैं तो ये कहने आई थी थोड़ी सी चीनी मिल सकती है। आप रुके, मैं अभी चीनी लेकर आई। या अल्लाह, बड़े मशकूक लोग लग रहे हैं, लगता है रुखसार के घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं अभी जरा रुखसार को फोन लगाती हूँ। अरे रुखसार, फोन तो उठा लो। शुगुफ्ता वो बाहर आ गई है। वो कौन माँ जी? वो जो मसूद के पीछे छुरी लेके पड़ गई थी ना। माँ जी, आपने उन्हें अंदर क्यों आने दिया है यार? चुपे, मैं उसे मना करती तो वो मुझे मार देती। उसे ना चीनी चाहिए, चीनी। तो फौरन चीनी दें और फारिग करें उन्हें यार, ऐसे लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। माफ कीजिएगा, बगैर इजाजत में अंदर आ गई। ये घर आप लोगों ने खरीद लिया है? मैं चीनी लेकर आती हूँ। हाँ, अरे बेटा चीनी को छोड़ो, चाय बना के ले आओ, बैठ के आराम से पियेंगे। मैं आप लोगों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप दरवाजा ना खोलिएगा, वो भाग जाएगा। भाग जाएगा? वहाँ बड़ी मुश्किल से उसको बंद किया है, बहुत मुश्किल से। और मेरा जो पुत्र है ना, उसके लिए मिठाई लेने गए हैं। मिठाई नहीं, जहर माँ जी। आप लोग उसे जहर दे के मारेंगे? जी मैं तो कह रही थी कि उसको मोटे डंडे से मार मार के चूमन निकाल दें, पर ये कह रही है कि उसको जहर दे दें। आप लाउंज में बैठे ना, हम चाय लेकर आते हैं। हाँ हाँ, किसी विलेज है। आओ आओ। बड़े खतरनाक लोग लग रहे हैं। मेरी रुखसार के घर पे कब्जा कर लिया, ऊपर से रुखसार फोन ही नहीं उठा रही, मगर मुझे इस घर को बचाना है। वो ये नाम कौन रख दिया? एक्सक्यूज मी, आप कौन? जी मैं पड़ोस से आई हूँ। पड़ोस से? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके हाथ में क्या? ये जहर है, मैं अभी दे के आया, लेकिन आपको कसम है आपने चाय पिए बगैर नहीं जाना। मैं अभी आया। इससे पहले कि मेरी चाय में जहर मिला दे और मैं मर जाऊं, पतली गली से मुझे निकल लेना चाहिए। अल्लाह मुझे बचा लेना बस। ना 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 ना, आप नहीं जा सकती, नाराज होके नहीं जाना इधर से। मेरे सुहाग का सवाल है, आप चली गई तो गोलियां चल जाएंगी इधर। ये आप चाय पी। चाय मैं नहीं पी सकती। ना 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 ना, चाय तो पीनी पड़ेगी। इसमें ना नसरीन ने वो मिलाया हुआ है। वो क्या जहर? ना ना जहर नहीं, वो जो बड़ा मीठा मीठा होता है ना। अरे वो क्या मीठा होता है? लड्डू। वो जो ज्यादा लड्डू खाने के बाद पेट में होता है ना, वो गुड़गुड़ाहट। हाँ गुड़ गुड़ गुड़, हमने इसमें गुड़ मिलाया हुआ, आप पी लें। अरे मोमो डर क्यों रही हो, मैं हूँ भाई। उफ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे मैं यहाँ नहीं रहता। आप इनसे नाराज ना हो ना प्लीज, ये तो बड़े वो हैं। क्या बदमाश? हाँ जी हाँ जी। अरे मोमो तुम इनको छोड़ो ना, चलाओ तुम अंदर चलो। आओ बाजी जी, आपने ये चाय पी के जानी है, कसम है आपको मेरे नीलों पर। ओके वादा करें आप इनको घसीट ले। बड़ा ही खतरनाक गैंग है, अब तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। लो भाई जानू, दे दिया जहर, मार दिया चूहे को। अब आप तो मुझे 1000 रुपया देना जानू। चूहे मारने के 1000 रुपए? किस खुशी में जानू? और क्या, 1000 रुपए में मैं तुम्हें शेर मार के दूं। यार नबील, मैं तुम्हें मना भी करके गया था कि इस औरत को घर में मत घुसाना। अरे ये बड़ी खतरनाक औरत है। अरे दिन दिहाड़े मुझे इतने लंबे लंबे चाकू दिखा रही थी और तुमने फिर उसको चाय पे बुला लिया। यार ओ यार भाई, तो क्या करते, धक्के मार के निकाल देते, अंडरवर्ल्ड वालों से पक्की पक्की दुश्मनी मोल ले लेते। खुद चाय मांगी थी उन्होंने, लेकिन अब तक तो पी के जा चुकी होंगी ना वो। वाह वाह वाह, बहुत मजे की चाय थी भाई। अच्छा, अगर आपको चाय हमारी इतनी अच्छी लगी है ना, तो आप टेंशन ना ले, मैं बड़े वाला हमाम बना के ना आपको घर पे ड्रॉप करा दिया करूंगा। गर्मी में आपने क्यों निकलना है? अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज, बड़ी याद आएगी आपकी। अरे भाई मैं तो ये कहने आई हूँ कि चाय इतनी अच्छी बनाई है, तो खाना कितना अच्छा बनाते होंगे। जबरदस्त टेस्टी, बहुत अच्छा खाना बनाती है माँ जी, और मेरी खूबसूरत है। चाय ना बनाए ना जब तक मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। और ये महमूद साहब है, बहुत ही बड़े मुंह वाले। हाँ इनको मैं जान गई हूँ। चले फिर, आ जाए। चले चले, आए आए जानू, जाए। आपके गैंग, मेरा मतलब है आपके घर में कितने लोग हैं? जी हमारे घर में 4 लोग हैं। हम लोग 4 हैं। तो सारे काम तुम लोग मिलके करते हो? अरे ये कहाँ कुछ करते हैं, सारे बड़े बड़े काम इन्होंने मेरे जिम्मे लगा रखे हैं। ओहो, तो आप इन सबके बॉस हैं? बॉस मेरा मतलब बड़े बड़े। जी जी बहुत ही बड़े, बल्कि इतना बड़ा मुंह है इनका, सबसे ज्यादा साबन इन्हीं के मुंह पे लगता है। अब तुम लोग इसी घर में रहोगे? जी जी, जब तक निकाले नहीं जाते यही रहेंगे। तुम लोगों ने इस घर पे कब्जा क्यों किया? कब्जा कहाँ जी, हमने ये घर खरीदा है। हमें पता है आप बहुत पहुंची हुई चीज है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत, और इतना पैसा है हमारे पास, ऐसा घर तो हम जो है ना कुछ सालों बाद अपने मुलाजमों को दे देते हैं। हमारे पास उतनी ब्लैक की कमाई नहीं है, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है। हाँ जी, देखिए अब आप जाए यहाँ से, वरना क्या धमका रहे हो ना मुझे? जानते नहीं हो मुझे? जानते हैं, इसीलिए तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप चली जाए। हम लोग बड़े ही शरीफ लोग हैं। चलाओ चलाओ चलो। देखिए हम लोग ना अंदर जा रहे हैं। हाँ आपको कसम है पीछे से कोई गोली बोली मत चलाइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। बड़े ही शातिर लोग हैं भाई, मासूम बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मैं भी पुलिस को जरूर कोई सबूत दूंगी। क्या हुआ नबील, वो चली गई आंटी? वो कहाँ चली गई, वो तो कुरेद कुरेद के हमसे सवालात पे सवालात किए जा रही है जानू। उनके पास मुझे लगता है जानू असला भी, हालांकि उनका अपना जाती मुंह बाहू जैसा है। तो निकालो उन्हें यहाँ से नबील। अरे भाई अब औरत से मैं क्या बात करूँ, कोई मर्द होता ना अरे तो मैंने मार मार के उसका भुरकस निकाल देना था। अब बेचारी औरत को क्या कहूँ मैं, वो बेचारी बड़ा सा चाकू लेके तो आपका बड़ा सा पेट फाड़ने वाली थी, आप भूल गए? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया। और बस बहुत हो गया, हटा अपनी छोटी-छोटी टांगें इधर। अब तुम देखना, सब लोग देखना, मैं कैसे उसको यहाँ से डरा के निसाती हूँ। उसकी सारी बदमाशी मैंने ना निकाल दी तो मेरा नाम भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ नहीं। हाँ ओ माजी ओ माजी ओ इतना लंबा नाम कैसे याद किया है? ओ भाई याद तो कर लिया, मुझे इनको लगता है लिखना नहीं आएगा। हाँ ओए नीलो की बच्ची, तू क्या हमारे साथ चिमड़ी हुई है? जवाब दे जैसे, वरना क्या कर लोगी? ओए तू जानती नहीं है मेरा मियाँ बड़ा वो है, वो डॉन। हाँ हाँ डॉन, वो बहुत बड़ा डॉन है। पिछले इलाके में 4 कत्ल किए थे, जब भी तो वो घर छोड़ना पड़ा था हमें। क्या? हाँ, और मेरा बेटा डाकू है, डाकू, बहुत बड़ा डाकू। और उसकी बीवी मेरी बहू हमारी बास है। उसका पूरा खानदान मनशियात फरोश है, मनशियात। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। आज जा भाग जा, और फिर ना ही वरना तुझे भी जहर दे देंगे। अल्लाह मैं जा रही हूं। हाँ ना ना देखो कैसा भगाया। अबे रागी बताओ ना वो ये मेरी माँ ही कर सकती थी। वाह माँ जी, I am proud of you माँ जी। Thank you, thank you, thank you। पुत्र वाड़ा कौन है? Talent। होए माँ जी। हाँ जाओ जाओ। बर्दाश्त हो गया बस ऐसा तो। इंस्पेक्टर साहब फौरन इनको पकड़ ले, बड़ा खतरनाक गैंग है। इन्होंने ना मेरी दोस्त के घर पे कब्जा कर लिया। कि क्या कह रही हैं आप? हम तो शरीफ लोग हैं, उल्टा आप कब से हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। इंस्पेक्टर साहब मैं इस गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। सबूत? क्या कह रही हैं आप भाई? मेरा बेटा डाकू है, डाकू, बहुत बड़ा डाकू। और उसकी बीवी मेरी बहू हमारी बास है। उसका पूरा खानदान मनशियात फरोश है। इंस्पेक्टर साहब मेरी एक गुजारिश सुन ले। ओए तुम्हारी गुजारिश सुनूंगा, थाने चल गए तुम, चलो चारों थाने चल यार, चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल